हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं दही वाला मशरूम मसाला मेरे हबी के हाथ से। चलिए, मैंने मशरूम को काट लिया, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बना ली और दो कच्चा मिर्च। फिर कढ़ाई गरम करेंगे, तेल देंगे, कच्चा मिर्च थोड़ा फ्राई होने के बाद प्याज दे देंगे। प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद उसको चलाएँगे, गोल्डन ब्राउन होने तक छोड़ देंगे। फिर अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट हम लोग दे देंगे। फिर उसको अच्छे से मिलाएंगे तेल में, उसका कच्चापन जाने तक उसको तेल में फ्राई करेंगे। फिर थोड़ा सा नमक दे देंगे, नमक को प्याज के साथ और मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर मशरूम को दे देंगे और मशरूम को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी देंगे और लाल मिर्च पाउडर, आपको अगर तीखा पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला देंगे, थोड़ा सा चिकन मसाला देंगे और धनिया पाउडर देंगे और जीरा पाउडर थोड़ा सा देंगे। और फिर उसको अच्छे से मसाला को तेल के साथ फ्राई होने देंगे। अच्छे से मशरूम के साथ मसाला को फ्राई कर लेंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा। देखिए, मसाला के साथ अच्छे से कस गया है। आप लोग इसको रोटी, पराठा, पूरी, भात दाल के साथ, किसी के साथ भी खाइएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है। देखिए, हम लोग 10 रुपये वाला दही का आधा दही लिया है, इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। देखिए, तेल हमारे ऊपर आ गया है, अच्छे से कस गया है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, मसाला देखिए अच्छे से कस गया है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमारे करी जितना आप लोग खाना पसंद करेंगे, हम लोग इसमें पानी दे देंगे। देखिए इतना सुंदर दिख रहा है, आप लोग एक बार ट्राई करिए घर में। देखिए पानी फूट गया, अब हम लोग ढक देंगे, स्लो में आंच कर देंगे जिससे मशरूम हमारा अच्छे से पक जाए। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे नया नया डिश मैं आपको सिखाऊंगी, आप देखिए, अपने घर में ट्राई करिए और खाइए। देखिए, हमारा रेडी हो गया मशरूम दही मसाला। थैंक यू।